अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ टू। दिस इज़ आवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास एंड आई होप कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। सो द टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट ऑनलाइन क्लास इज मोलेकुलर फाइलोजेनेटिक्स। सो फर्स्ट वी नीड टू सी दैट व्हाट इज फाइलोजेनेटिक्स। Phylogenetics is a field of biology which deals with identifying and understanding the evolutionary relationships among the many different kinds of life on earth, and such kind of life can be both, it can be living or it can be dead. So the next one is, what is phylogenetic tree? In the phylogenetics field, we use the phylogenetic tree, and now we need to see what is phylogenetic tree. So you can use any term like phylogenetic tree, evolutionary tree, or phylogenetic, whatever you want you can use. Evolutionary tree, it represents the evolutionary relationships among a set of organisms or the group of organisms, that's called the taxa. फाइलोजेनेटिक ट्री में ये होता है कि आपके पास ऑर्गेनिजम्स या का सेट या उसका कोई भी ग्रुप वगैरह होगा जिसके दरमियान आप लोग उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना चाह रहे होंगे। अब ये जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, ये हमें फाइलोजेनेटिक या एवोल्यूशनरी ट्री जो होता है वो एक डायग्राम की शक्ल में बना कर देता है और बताता है कि इनका रिलेशनशिप इस तरह से है। सो यू कैन से डैट इट्स लाइक अ डायग्राम डैट डिपिक्ट्स द लाइन ऑफ एवोल्यूशनरी डिसेंट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स और द जीन फ्रॉम अ कॉमन इंसेस्टर। सो इस लाइन से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा इस सेंटेंस से कि आप सपोज आप डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट जीन की अगर आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं जिनका इंसेस्टर जो है वो कॉमन होना चाहिए, तो उसके लिए एवोल्यूशनरी ट्री जो होगा वो हमें हेल्प करेगा और हमें उनका रिलेशनशिप एक डायग्राम के थ्रू बताएगा। सो दिस इज़ अ फाइलोजेनेटिक ट्री। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले से पता होगा फाइलोजेनेटिक ट्री किस तरह से दिखाई देता है, बट वो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स को शायद नहीं पता हो। सो फॉर देम दिस इज़ अ फाइलोजेनेटिक ट्री, और इस ट्री को आपने हमेशा लाइक दिस इज द बॉटम ऑफ द ट्री एंड दिस वन इज़ द दिस साइड इज़ द टॉप ऑफ द ट्री। तो जब भी आपने फाइलोजेनेटिक ट्री को रीड करना स्टार्ट करना है तो आपने इस बॉटम साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो एज़ यू कैन सी कि ये रूट है ट्री की। रूट ट्री की क्या रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर कॉमन इंसेस्टर है उन तमाम स्पीशीज़ का जिनका हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड करना चाह रहे हैं, क्लियर। आगे देखें, ये जो रूट है ये स्प्लिट होकर दो डायरेक्शंस में जा रही है। लाइक दिस वन, दीज लाइंस रिप्रेजेंट द ब्रांचेस। आप लोग कह सकते हैं ये एक ब्रांच है, रूट स्प्लिट होकर इसने कितनी ब्रांचेस बन गई, दो ब्रांचेस, द वन इज़ दिस वन एंड द सेकंड वन इज़ दिस वन। सो यू कैन यूज़ इट द टर्म ब्रांच। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं एक्चुअली ट्री की। लाइक अगर हमें फाइलोजेनेटिक ट्री पे कुछ काम करना है, लाइक हमें कंस्ट्रक्शन करनी है या हमें कुछ डेटा लाइक के कुछ भी इंटरप्रिटेशन वगैरह करनी है, तो उससे पहले जो फाइलोजेनेटिक ट्री में टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं उनके बारे में हमें पता होना लाजमी है। सो द सेकेंड टर्म इज़ द नोड। वॉट इज़ नोड? आगे आपने देखा होगा कि ये ब्रांच जो है ये स्प्लिट नेक्स्ट टू मोर ब्रांचेज में हो रही है। सो ये पॉइंट जहाँ से आगे नेक्स्ट टू मोर ब्रांचेज निकल रही हैं उसको क्या कहते हैं? नोड। अब आपने कहना है कि ये फर्दर जो दो स्पीशीज़ हैं इनका कॉमन इंसेस्टर कहाँ प्रेजेंट है? इस नोड पे। और हमारे पास टोटल कितनी स्पीशीज़ हैं जिनका हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं? द फर्स्ट वन इज़ ह्यूमन, द सेकेंड वन इज़ माउस एंड द थर्ड वन इज़ फ्लाई। सो इन तीनों का एवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है ये हमें एवोल्यूशनरी ट्री ने इस तरह से बताया है। एंड नाउ वी वांट टू रीड, एंड हम कहेंगे कि लाइक ह्यूमन और माउस, क्योंकि ये दोनों एक क्लेफ्ट पे प्रेजेंट है। दिस वन इज़ द क्लेफ्ट, बिकॉज इन दोनों का कॉमन इंसेस्टर एक है। दिस वन इज़ शोइंग दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ये उनके कॉमन इंसेस्टर को शो कर रहा है, इसका मतलब है ये एक क्लेफ्ट पे प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन और माउस जो हैं इनका रिलेशनशिप एक दूसरे से ये ज़्यादा क्लोज है एज़ कम्पेयर टू फ्लाई, ओके। सो एंड द वन मोर थिंग, दिस इज़ द ब्रांच लेंथ। यू नो द लेंथ ऑफ दिस ब्रांच इज़ कॉल्ड द ब्रांच लेंथ। एंड नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी ये ब्रांच लेंथ किस लाइक क्यों होती है, हम इसे क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये कुछ भी आगे जब मैं आपको फर्दर इसकी डिटेल्स बताती हूँ। सो द नेक्स्ट वन इज़ ट्री टर्मिनोलॉजीज। तो इसलिए मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में भी इसको लिख दिया है। द टिप्स ऑफ द ट्री रिप्रेजेंट द ग्रुप्स ऑफ डिसेंडेंट टैक्सा। अब आई थिंक आप लोगों को पता होगा
कि जो कॉमन इंसेस्टर होता है, ये भी एक ट्री है, कॉमन इंसेस्टर जो होता है हमेशा रूट नोड पर होता है, कॉमन इंसेस्टर। बाकी सारे जो होते हैं उसके क्या होते हैं, ये सारे जो नेक्स्ट स्पीशीज हैं ये इसकी क्या हैं, डिसेंडेंट्स। सो हम लोग कह सकते हैं द टिप ऑफ द ट्री रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ डिसेंडेंट टैक्सा। लाइक हमारी ट्री की टिप कौन सी हो सकती है, ट्री की टिप ये होंगी ना बॉटम, सॉरी जो उसकी टॉप साइड होगी, तो दिस वन इज, दीज आर ऑल द टैक्सा। अब हमने ये ट्री कितने टैक्सा या कितनी स्पीशीज या कितने ऑर्गेनिज्म के दरमियान बनाया, थ्री, 1, 2, 3। तो ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो स्पीशीज जिनका हम ट्री बिल्ड करना चाह रहे हैं वो ऑल लाइक वो ट्री की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं। द लाइन्स विद इन द ट्री आर कॉल्ड द ब्रांचेस। अब जो लाइन्स होती हैं इस तरह की, जो ट्री में आपको लाइन्स नजर आती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं। द पॉइंट्स एट विच द ब्रांचेस कनेक्ट और द टिप्स ऑफ ब्रांचेस आर बोथ कॉल्ड नोड्स। अब ये देखें यहाँ पर ये दो ब्रांचेस जो हैं कनेक्ट हो रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड्स। नोड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नोड्स ऑन द ट्री रिप्रेजेंट द कॉमन एंसेस्टर ऑफ दूज डिसेंडेंट्स। लाइक जैसे टैक्सोन 1 और टैक्सोन ए और टैक्सोन बी, अगर हमने इसका कॉमन इंसेस्टर देखना हो तो इसका कॉमन इंसेस्टर कौन सा है, यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब अगर हमें ए बी और सी इन तीनों का कॉमन इंसेस्टर देखना होगा तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, इन दोनों ए और बी का कॉमन इंसेस्टर कहाँ पर है, यहाँ पर। और अब सी और ए प्लस बी का कॉमन इंसेस्टर ये कहाँ पर जाकर मिल रहा है, यहाँ पे, दिस वन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द रूट नोड और इज कॉल्ड द कॉमन इंसेस्टर ऑफ ए बी एंड सी। सो एज यू कैन सी के टैक्सोन ए और बी दोनों एक क्लेड पे प्रेजेंट है। आई टोल्ड यू डैट दिस इज़ वट वी कॉल्ड क्ले। एंड ये क्लेड जो है, क्योंकि दो ग्रुप्स जिस पे प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टर ग्रुप्स कहते हैं। और द थर्ड वन आपने देखा है जो टैक्सोन सी है, क्योंकि यहाँ से रूट नोड है, रूट नोड के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे जितनी भी स्पीशीज़ हैं और उसके राइट साइड पे जितनी भी स्पीशी है, जस्ट वन स्पीशी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमने क्या यूज़ किया, आउटग्रुप। और लेटर मैं बताऊंगी आउटग्रुप क्या होता है आपको। सो टू डिसेंडेंट दैट स्प्लिट फ्रॉम द सेम नोड आर कॉल्ड दिस सिस्टर ग्रुप्स। दो डिसेंडेंट जो के सेम नोड से स्प्लिट हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं, सिस्टर ग्रुप्स। ये सेम नोड से स्प्लिट हो रहे हैं इसलिए इनको क्या बोलेंगे, सिस्टर ग्रुप। इन द प्रीवियस ट्री स्पीशीज ए एंड बी आर सिस्टर ग्रुप। आई टोल्ड यू अर्लियर दे आर ईच अदर्स क्लोजेस्ट रिलेटिव्स। ए और बी दोनों सिस्टर ग्रुप हैं, मीन्स ये एक ही क्लेड पे प्रेजेंट हैं, तो हम इसलिए कहेंगे ये आपस में ज़्यादा क्लोज रिलेटिव हैं। सम ट्रीज विल हैव अ बेसल नोड नोन एज द रूट। सो मैंने आपको रूट का भी आगे एक्सप्लेन किया है कि रूट क्या चीज़ होती है। मैनी फाइलोजनीज आल्सो इंक्लूड एन आउट ग्रुप आर टैक्सोन आउटसाइड द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। ऑल द मेम्बर ऑफ द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट आर मोस्ट मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन दे आर टू द आउट ग्रुप। हैंस द आउट ग्रुप स्टेम्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। अब आउट ग्रुप मैं आपको बताती हूँ, लाइक कि आपकी आप ट्री बिल्ड करना चाह रहे हो, स्पीशीज या ऑर्गेनिजम्स का ही करना है आपको, तो आप चाह रहे हो कि आपके पास दो स्पीशीज़ हैं, स्पीशी 1 और स्पीशी 2, इनका आप ट्री बिल्ड करना चाह रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने स्पीशी 1 और स्पीशी 2 का ही डेटा यूज़ करना है, जब भी आपने ट्री बिल्ड करना है, बेशक वो दो स्पीशीज़ का हो, 1000 का हो, जितनी मर्जी स्पीशीज़ का हो, आपने हमेशा उसमें एक आउट ग्रुप, उस ट्री को बिल्ड करते हुए आपने एक आउट ग्रुप यूज़ करना है। आप आउट ग्रुप आपको पता होना चाहिए, लाइक आपकी स्पीशीज़ जो हैं सारी के सारे आपको पता होगा कि वो बैक्टीरिया से हैं, सपोज करें आप उनका, उन बैक्टीरिया की स्पीशीज़ का कोई भी ट्री जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हो, किसी भी पर्पस के लिए करना चाह रहे हो, किसी भी डेटा से भी करना चाह रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप कौन सा आउट ग्रुप रखोगे, आर्किया। आर्किया तो आप क्यों रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो सारी बैक्टीरियल स्पीशीज़ हैं, वो सारी क्लोज रिलेटेड हैं एक दूसरे से, वो क्लोज रिलेटिव्स हैं एक दूसरे से, तो उनका आउट ग्रुप आपने वो देखना है जो उनके ज़्यादा क्लोज ना हो। तो आपने कोई बैक्टीरियल स्पीशी ही चूज़ नहीं करनी है, बेटर है कि आप कोई आर्किया स्पीशी यूज़ करो, ठीक है, एज एन आउट ग्रुप। और आउट ग्रुप जो होता है हमें कैसे पता चलता है कि लाइक जब भी हम ट्री बिल्ड करते हैं तो उसमें हमने सपोज आपने बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप्स होते हैं ना, बैक्टीरिया के, आपने बैक्टीरिया के कुछ ग्रुप्स का डेटा लिया, आप उनका ट्री बिल्ड करना चाह रहे हो। अब अगर आप चाहते हो कि आपका आउट ग्रुप बैक्टीरिया से ही हो सपोज करें, तो
तो उसके लिए ऐसा होगा कि आप बैक्टीरिया के दो ग्रुप के दरमियान लाइक ट्री बिल्ड करना चाह रहे हो, तो अब आपने उसका आउटग्रुप क्या लेना है। अगर आप बैक्टीरिया से ही चाह रहे हो तो आप बैक्टीरिया से चाह रहे हो तो वो आउटग्रुप लो कि जो वो दो ग्रुप्स जो होंगे उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो, लाइक कि उनका क्लोज रिलेटिव ना हो। और ये कैसे पता चलता है कि मोस्टली हमारे पास जैसे बैक्टीरिया आ गया, और आजकल तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, तो आप जाकर उनकी डेटाबेस में या पेपर्स वगैरह में सर्च कर सकते हो, वहाँ पर ऑलरेडी ट्रीज़ वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो कि हमारे ये दो ग्रुप्स हैं, इनके दरमियान हम ट्री बिल्ड करना चाह रहे हैं। अब हमने कोई आउट ग्रुप लेना है, वो हम आर्किया से सपोज करें नहीं लेना चाह रहे, वो हम बैक्टीरिया से ही लेना चाह रहे हैं, तो आपने वहाँ पर सर्च करना है जाकर कि आपके जो ये दो दो ग्रुप हैं इनसे सबसे दूर, सबसे इनका कम क्लोज जो होगा वो वाला ग्रुप कौन सा है, फिर उस वाले ग्रुप को आपने क्या करना है, एज एन आउट ग्रुप रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही ही आउट ग्रुप चूज़ किया है कि नहीं। तो ये इस तरह से है कि सपोज करें आपके पास यहाँ पर 1000 है, यहाँ तो जस्ट इन्होंने दो स्पीशीज़ को किया हुआ है ना, सपोज आपके पास यहाँ पर 100 में है, आपने देखना है हमेशा जो आउट ग्रुप होगा वो रूट नोड से उसकी जो होगी वो ब्रांच निकलनी चाहिए, लाइक सारे का सारा ट्री एक तरफ। यहाँ पर सपोज करें 1000 की स्पीशीज है और इतना बड़ा ट्री है, लेकिन जो आउट ग्रुप है वो हमेशा रूट से निकलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी ये रूट से क्यों निकलना चाहिए, ये दिस इज़ अ पॉइंट टू बी थिंकिंग, तो आप लोग सोचिएगा, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो ये देन यू कैन आस्क मी, तब हम लोग इसको डिस्कशन, एक टाइम होगा ना उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो आउट ग्रुप है ये हमेशा रूट नोड से ही क्यों निकलना चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज, सो वी कवर दिस स्लाइड, द नेक्स्ट वन इज अ क्लेड, क्लेड का मैंने आपको बताया है, दिस वन इज अ वन क्लेड। सो द क्लेड इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड्स एन एंसेस्टर एंड ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ दैट एंसेस्टर। यू कैन थिंक ऑफ अ क्लेड एज अ ब्रांच ऑन द ट्री ऑफ लाइफ। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, इसलिए मैंने जस्ट रखी थी कि आपको क्लेड की समझ आ जाए ना। अगर आपसे कोई पूछे कि इस ट्री में कितने क्लेड्स हैं, तो ये देखें, सबसे पहला क्लेड जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक ही नोड से निकल रहे हैं। ये फर्स्ट नोड है ना, ये इंटरनल नोड्स होती हैं, अंदर वाली जो नोड्स इंटरनल नोड्स होते हैं, तो इसमें से निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा क्या है, फर्स्ट क्लेड। अच्छा, उसके बाद हमारा दूसरा क्लेड क्या बनेगा, ये वाला, ये लाइक द स्काई ब्लू की जो फीलिंग है, ये वाला। अब इसमें कितनी होंगी हमारे पास, कितनी स्पीशीज होंगी, ये वाली स्पीशीज़। अब हम कहेंगे सपोज ये स्पीशी ए है, ये स्पीशी बी है, हम कहेंगे ए और बी स्पीशी किसके क्लोज रिलेटेड है, किसके क्लोज है, स्पीशी सी के, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंड क्लेड। और ये वाला हमारे पास जो है वो एक अलहदा ब्रांच पे प्रेजेंट है, तो इसको, इस क्लेड को हम क्या कहेंगे, ये वाला क्लेड ट्री है, ठीक है। अब हमारे पास क्लेड ए है, और ब्लू वाला कौन सा है, क्लेड बी है, और ये क्या है, क्लेड सी है। अब आप इसको इजीली देखकर बता सकते हैं कि ये जो क्लेड ए और बी है, इसकी स्पीशी एक दूसरे से, ये दोनों क्लेड्स एक दूसरे से के क्लोजली, लाइक इनके ये क्लोजली रिलेटिव्स हैं एक दूसरे के, ज़्यादा रिलेटेड है एज़ कम्पेयर टू क्लेड सी। एंड यहाँ पर बताया है मैंने साथ में कि इन ग्रुप क्या होते हैं, द ग्रुप एक्चुअली स्टडीड बाय द इन्वेस्टिगेटर, द ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। तो इन ग्रुप्स क्या होंगे, लाइक जो आपकी स्पीशीज ऑफ इंटरेस्ट होंगे, या आपके जो ग्रुप्स होंगे या टैक्सोन्स होंगे, उन सबको क्या कहते हैं हम लोग, इन ग्रुप कहते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज पता होंगी, तो जब आप इस ट्री को बिल्ड कर रहे होंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, और फिर उस सॉफ्टवेयर के जो रिजल्ट को इंटरप्रेट कर रहे होंगे, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज़ अ पॉइंट वेयर टू थिंग्स, ओके, द नेक्स्ट वन आई वॉन्ट टू टोल यू अबाउट द डाइवर्जेंस। वट इज़ डाइवर्जेंस? सो ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, शायद आप में से काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स को डाइवर्जेंस का मतलब नहीं पता होगा। तो इंग्लिश में हम डाइवर्जेंस किसको कहते हैं, द पॉइंट वेयर टू थिंग्स स्प्लिट ऑफ फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंस। व्हेन सपोज व्हेन यू आर वॉकिंग इन द वुड एंड फेस अ डाइवर्जेंस इन द पाथ, यू हैव टू मेक अ चॉइस अबाउट विच वे टू गो। अब इसका सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ। सपोज ये एक सीधी, एक स्ट्रेट, एक रोड है, आप उस पर चल रहे हैं। अब यहाँ पर ये रोड आपने देखा है कि दो आगे जाकर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, इधर भी जा रही है, दो साइड पे डिवाइड हो गई है। अब आपको चूज़ करना है, सपोज आप इधर जाना चाहते हो या इधर जाना चाह रहे हो, तो ये वाला पॉइंट जो होता है ना, जहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चीज़ दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, उसको क्या हम कहते हैं, डाइवर्जेंस कहते हैं। तो हम कहेंगे ये एक रोड थी, ये दो हिस्सों में क्या होगी, डाइवर्ज होगी।
सो द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज द प्रोसेस. अब ये तो थी हम, मैं आपको सिनोनिम जैसे उसका बताती है, उसका मतलब समझा रही थी इंग्लिश में डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है. वैसे फाइलोजेनेटिक ट्री में भी इसकी ही सेंस को आपने यूज़ करते हुए इसका मतलब देखना है. द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय ग्रुप फ्रॉम द सेम कॉमन एंसेस्टर इवॉल्व एंड एक्यूमुलेट डिफरेंसेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. अब आपने यहाँ पर सपोज ये आपकी एक स्ट्रेट सड़क है, रोड है, आपने देखा कि यहाँ पर इनका कॉमन इंसेस्टर है. इस कॉमन इंसेस्टर, मैंने आपको बताया था ना ये दो स्पीशीज़ है तो इनका ये कॉमन इंसेस्टर होगा. इस कॉमन इंसेस्टर से कितनी दो स्पीशीज़ निकल रही हैं, दो न्यू स्पीशी, स्पीशी वन और स्पीशी टू निकल रही हैं. तो हम कहेंगे ये इनका इंसेस्टर है. फिर इनमें डाइवर्जेंस आई क्योंकि ये रोड जो सीधी थी ये उसके इंसेस्टर की वो दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया. तो आपने बताना है कि वो उसके दो न्यू जो हैं स्पीशीज़, दो न्यू इंसेस्टर जो हैं वो इसके बन गए. आई होप कि आप लोगों को डाइवर्जेंस की समझ आ गई होगी. अच्छा, और ये जो डाइवर्जेंस होती है ना, ये एवोल्यूशन के प्रोसेस को शो कर रही होती है कि ये हमारे इंसेस्टर थे, फिर एवोल्यूशन आई और ये जो थे दो स्पीशीज एक दूसरे से क्या हो गई, बिल्कुल डाइवर्ज हो गई, दूर हो गई. सो द नेक्स्ट वन इज़ अ रिलेशनशिप ऑन द फाइलोजेनेटिक ट्री कैन बी डिपिक्टेड इन द मल्टीपल वेज. सो दीज ट्री डिपिक्ट इक्विवेलेंट रिलेशनशिप्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट सर्टन इंटरनल ब्रांचेस हैव बीन ट्रेटेड सो डेट द ऑर्डर ऑफ द टिप लेवल इज डिफरेंट. अच्छा, अब इसका मतलब तब आपको समझ आएगा अगर आपको पिछले लेक्चर की समझ आई है. सपोज ये तीन मैंने ट्री की पिक्चर्स दी हुई हैं. अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस वाले में ए यहाँ पर है, ई डी यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ, और यहाँ पर ई डी यहाँ पर, सी यहाँ, बी यहाँ, ए, और इसमें भी ऐसे बिल्कुल डिफरेंट है ना. लाइक इनकी टॉपोलॉजी, इसको हम ट्री की टॉपोलॉजी बोलते हैं. ये ट्री की टॉपोलॉजी आपने देखा होगा, यहाँ पर हमने थोड़ी चेंज है, हर एक में चेंज है ना. सो आपने इसको रीड करके देखना है क्या इनकी टॉपोलॉजी इस तरह से डिफरेंट करने से क्या इनके रिलेशनशिप में कोई फ़र्क आ रहा है कि नहीं. अब ये देखें, हम किसी भी ट्री पे, तीनों ट्री पे देखें अगर, तो ये बता रहा है कि ई और डी सबसे ज़्यादा क्लोज हैं क्योंकि ये दोनों देखें एक ही नोड से निकल रही हैं. यहाँ से ये दोनों ब्रांचेस एक नोड, इनका ये कॉमन इंसेस्टर है, वहाँ से निकल रही हैं. हर एक पे ये इसी तरह से है, ई और डी क्लोज, ई और डी आपस में क्लोज. अच्छा, अब ई और डी, और यहाँ पर देखें यहाँ पर इन्होंने डी और ई दिया हुआ है, ठीक है. अच्छा, अगर ई इधर दिया और डी इधर दिया हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जब भी आपने लाइक आपने फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने उसको रीड भी तो करना है. वो तो सॉफ्टवेयर ने रीड नहीं करना, वो तो हमें अपने दिमाग इस्तेमाल करके रीड करना है ना. तो आपने देखना है या आप पढ़ें कि ई और डी एक दूसरे के क्लोज़ हैं, ई और डी एक दूसरे के क्लोज़ हैं, या फिर आप कह दें डी और ई एक दूसरे के क्लोज़ है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, सेम चीज़ है. अब नेक्स्ट है कि ई और डी ये दोनों किसके क्लोज़ हैं, सी के क्लोज़ हैं, ठीक है. अच्छा, अब हर एक में आपने देखना है ई और डी किसके क्लोज़ है, सी के. इसमें भी इस तरह से बन रहा है, ई और डी इसमें किसके क्लोज़ है ज़्यादा, सी के, बिल्कुल ठीक बन रहा है. अच्छा, आपने इसको यहाँ पर ऐसे नहीं कहना कि ई और डी किसके ज़्यादा क्लोज़ है, बी के. इस साइड पे भी तो हम जा सकते हैं ना, इस साइड पे हमने जाकर क्यों नहीं कहना कि ई और डी जो है वो बी के ज़्यादा क्लोज़ है, क्योंकि आप देखें डी ई और सी इनका कॉमन इंसेस्टर है. लाइक डी और ई ज़्यादा क्लोज थे क्योंकि इनका यहाँ पर एक ही नोड से निकल रहे हैं. अब डी ई और सी एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं क्योंकि ये एक ही नोड से निकल रहे हैं. यहाँ पर भी आप चेक करें, इनका इंसेस्टर जो है यहाँ पर कॉमन बन रहा है, ठीक है ना. तो इसलिए हम लोगों ने कहना है कि ये तीनों जो हैं डायग्राम जो हैं ये ठीक बता रहे हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज़ बी और ए, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो सेम लाइक ये ए और बी, इनका लाइक डी ई और सी जो है वो इन किसके क्लोज आ रहे हैं, बी के क्लोज आ रहे हैं. तो यहाँ पर भी ये बी के क्लोज है और यहाँ पर भी बी के क्लोज है, ठीक है. और ये सारी स्पीशीज़ मिलके फिर किसके क्लोज हैं, ए के क्लोज है. और ये सारी स्पीशीज़ का अगर हम रिलेशनशिप देखें तो ये ए के क्लोज है, और यहाँ पर भी ये सारी स्पीशीज़ मिलके ए के क्लोज है. सो नेक्स्ट वन इज़ इन देयर नोड बेस्ड ट्रीज. देर आर टू टाइप ऑफ ट्रीज इन दी नोड बेस्ड ट्रीज. नोड का आई थिंक आपको पता लगे कि नोड क्या होता है. नोड बेस्ड ट्री में क्या होता है, द नोड रिप्रेजेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज लाइक कोई भी स्पीशीज़ हो सकती हैं, आप जीन यूज़ कर सकते हो. और आपने ये बात आपको पता होना चाहिए कि ट्री जो होता है वो जस्ट स्पीशीज़ या ऑर्गेनिज्म का नहीं होता. अगर हमें सपोज जीन की एवोल्यूशन चेक करनी है
डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, सेम जीन की डिफरेंट स्पीशीज में, तो हम लोग जीन की का भी फाइलोजेनेटिक फीचर वो ड्रॉ कर सकते हैं, या डिफरेंट जीन्स की अगर हमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड करना है तो वो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वेयर एज द ब्रांचेस रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन दूस एंटिटीज, लाइक किस किस किसके दरमियान, नोड बेस्ड जो ट्री होता है उसमें किसके दरमियान रिलेशनशिप होता है, एंसेस्टर और उसके डिसेंडेंट के दरमियान, और मोस्टली जो नोड बेस्ड ट्रीज जो होते हैं ना वो होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। इन कंट्रास्ट कौन सा होता है, ब्रांच बेस्ड होता है जिसको स्टेम बेस्ड ट्री भी कहा जाता है, उसमें दी ब्रांचेस रिप्रेजेंट लिनेजेस, वेयर एज इंटरनल नोड रिप्रेजेंट लिनेज स्प्लिटिंग इवेंट। अब ब्रांच बेस्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्रांच जो होती है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, वेयर एज दी इंटरनल जो सो अब जो ट्रीज़ हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नोड बेस्ड ट्री होगा और या जो हो सकते हैं हम ब्रांच बेस्ड ट्री हो सकते हैं, ठीक है। जो नोड बेस्ड ट्री होगा वो रिप्रेजेंट करेगा बायोलॉजिकल एंटिटीज़ को, लाइक आपकी स्पीशीज़ या जीन्स को, और जो ट्रीज़ होते हैं वो जस्ट स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स के ही नहीं होते, एक रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए ही नहीं होते, बल्कि जीन्स, अगर आपके पास डिफरेंट जीन्स हैं और आप उनका एवोल्यूशन रिलेशनशिप देखना चाह रहे हो तो आप उसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो उनको फिर जीन बेस्ड ट्री कहते हैं। वेयर एज दी ब्रांचेज रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटीज। अब नोड में क्या था, नोड पे हमेशा नोड बेस्ड ट्री जो होता है वो हमें किस बारे में बताता है, इंसेस्टर और डिसेंडेंट के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। अगर आपको ये जो नोड बेस्ड और ब्रांच बेस्ड जो ट्री है इनका तब पता लगेगा, ज़्यादा समझ आएगी जब आपको नोड और ब्रांच के समझ आएगी, लाइक नोड किसको बोलते हैं और उसके बाद ब्रांच किसको बोलते हैं, और नोड पे क्या प्रेजेंट होता है, ब्रांच क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। तो जो ब्रांच बेस्ड ट्री होता है उसको क्या कहते हैं, हम स्टेम बेस्ड ट्री कहते हैं। सो द ब्रांचेस जो होती हैं वो लिनेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं, और हमें पता है जो इंटरनल नोड्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये जो लिनेजेस जो स्प्लिट हुए हैं उनके इवेंट्स को बता रही होती हैं, लाइक कि कितना डाइवर्ज हुए हैं, कितने टाइम के डाइवर्ज हुए हैं, और किस किस तरह से डाइवर्ज हुए हैं, और कौन सी स्पीशी किससे ज़्यादा डाइवर्ज हुई है और कौन सी किससे लेस डाइवर्ज हुई है। सो द नेक्स्ट वन इज़ द रूटेड ट्री। अ रूटेड ट्री इज़ द वन विच कंटेन द डायरेक्शन टू द कॉमन इंसेस्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस ट्री कन्वर्जेस टू अ पॉइंट कॉल्ड एज अ रूट ऑफ द ट्री। दिस रूट डिपिक्ट द कॉमन इंसेस्टर ऑफ द लाइफ फॉर्म। सो यहाँ पर आप फिगर में भी इधर देख सकते हैं, ये है रूटेड ट्री। मैंने आप लोगों को रूट का बताया था, रूट क्या होती है, ये दिस इज कॉल्ड द रूट ऑफ दिस ट्री। ये एक ट्री है और ये दूसरा ट्री है। ये क्या है, ये रूटेड ट्री है। हमें कैसे पता चलेगा ये रूटेड ट्री है, क्योंकि मैंने आपको पहले रूट के बारे में बताया है। रूट जो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, कॉमन इंसेस्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री। तो अगर वहाँ पर कॉमन इंसेस्टर पता होगा तो आप कहेंगे ये ट्री जो है वो रूटेड है। अगर आपको कॉमन इंसेस्टर या रूट नज़र आए तो आपने कहना है ये रूटेड नहीं है, ये कौन सा ट्री है, अनरूटेड। अब अगर आप इस ट्री में देखें तो यहाँ पर आपको कोई भी जो उसका कॉमन इंसेस्टर है वो नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्या कहेंगे, लाइक उसकी कोई भी रूट नज़र नहीं आ रही। अब आप ए सी बी ओ डी, अब दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट नज़र आ रहा आपको कि आप कहेंगे ये इनका कॉमन इंसेस्टर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनरूटेड। सो एन अनरूटेड ट्री डज नॉट कंटेन कॉमन इंसेस्टर। दिस मीन दैट वी कैन नॉट डिपिक्ट द कॉमन इंसेस्टर ऑफ द लाइफ फॉर्म। सिंपल वन। द नेक्स्ट वन इज रूटेड विज अनरूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री। सो दिस इज द डिफरेंस। अ रूटेड फाइलोजेनेटिक ट्री इज अ डायग्राम विच शोज द लास्ट कॉमन इंसेस्टर ऑफ द ग्रुप। जबकि अनरूटेड में क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जो भी हमारी स्पीशी और ऑर्गेनिज्म है उनके दरमियान रिलेशनशिप तो बताया होगा, लाइक ये लास्ट वाले में रिलेशनशिप तो बताया है कि ए और सी क्लोज हैं, बी और डी क्लोज हैं, बट इनका कॉमन इंसेस्टर क्या है वो नहीं बताया। वाइल यहाँ रूटेड में आपको बताया है सी और डी क्लोज हैं, एफ और जी क्लोज हैं, और ये सब के सब मिलके किसके क्लोज हैं, ए पॉइंट के क्लोज हैं, लेकिन इसमें कोई भी इसकी कॉमन इंसेस्टर का नहीं बताया हुआ। सो इट हैज़ अ नोट, रूटेड ट्री हैज़ अ नोट विच वी कॉल्ड रूट, और आप इसको बेस भी कह सकते हो, बेस नोट भी कह सकते हो।
इट डज नॉट हैव अ नोड, और इसमें कोई भी नोड नहीं होती। इट हैज़ अ डायरेक्शन टू इंडिकेट द एवोल्यूशनरी टाइम, और जो रूटी ट्री पे आप एवोल्यूशनरी टाइम दे सकते हो, वाइल यहाँ पर आपको ये स्पेसिफाई नहीं करता एवोल्यूशनरी टाइम। सो द ट्री अलाउज टू डिटर्मिनिंग द इंसेस्टर डिसेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स। सो रूटी ट्री में आप इंसेस्टर और डिसेंडेंट के दरमियान रिलेशनशिप देख सकते हो बिटवीन द ग्रुप्स, जबकि ये वाला टी जो है ट्री जो है ये बिल्कुल भी आपको ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं बताएगा। और एक और चीज़ है कि आप अनरूटेड ट्री को रूट बना सकते हो बाय यूजिंग द कॉमन इंसेस्टर। कोई भी कॉमन इंसेस्टर उनका यूज़ करें तो आप उससे क्या होगा, अगर आप उनका कॉमन इंसेस्टर यूज़ करें तो वो अनरूटेड ट्री जो होगा वो रूटेड हो जाता है। डेटा यूज टू बिल्ड फाइलोजेनेटिक ट्री। अच्छा, अभी मैंने आप लोग को बताया कि ट्री में ये टर्मिनोलॉजीज हैं, हम ऐसे ऐसे रीड करेंगे, ऐसे ऐसे रिलेशनशिप बताएगा। अब बात ये है कि हम कौन सा डेटा यूज़ करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री को बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक में हम लोग मॉर्फोलॉजिकल बेस्ड डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, बायोकेमिकल बिहेवियर डेटा भी यूज़ कर सकते हैं, और सबसे बेस्ट कौन सा है, मॉलिक्यूलर डेटा, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अब मोलेकुलर डेटा में हमारे पास हम डीएनए का डेटा यूज़ कर सकते हैं, आरएनए का या प्रोटीन का, कोई भी हम लोग डेटा यूज़ कर सकते हैं। सो द सीक्वेंसेस ऑफ जीन और प्रोटीन कैन बी कंपेयर्ड अमंग द स्पीशीज एंड यूज्ड टू बिल्ड फाइलोजेनेटिक ट्रीज। द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज टिपिकली हैव फ्यू सीक्वेंस डिफरेंसेस व्हाइल लेस रिलेटेड स्पीशीज टेंड टू हैव मोर। अब मोलेकुलर बेस्ड डेटा, मोलेकुलर बेस्ड डेटा कौन सा होता है, डीएनए आरएनए प्रोटीन का, अगर आपके पास डेटा है, आपने स्पीशीज़ का कैसे ट्री बिल्ड करना है, आपने उनका मोलेकुलर डेटा इन तीनों कैटेगरीज में से कोई भी चूज़ करना है, और अगर तो वो स्पीशीज़ क्लोजली रिलेटेड होंगी तो उनके जो सीक्वेंस होते हैं ना, ATGC के फॉर्म में सीक्वेंस होता है, और आपको फास्टा फॉर्मेट का पता है, उसके फॉर्म में डेटाबेस वगैरह में पड़ा होता है, तो अगर उन वो क्लोजली रिलेटेड होंगी तो उनके जो सीक्वेंस है उसके दरमियान वेरी फ्यू न्यूक्लियोटाइड या अमीनो एसिड का डिफरेंस होगा। बट अगर उनके दरमियान सीक्वेंसेस के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा तो इट मींस वो स्पीशीज़ एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लाइक लेस क्लोजली रिलेटेड है। और अब बात यह है कि मॉर्फोलॉजिकल डाटा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। मॉर्फोलॉजिकल डाटा जो है वो हम लोग कब यूज़ करते हैं, लाइक के जब डीएनए लाइक मोलेकुलर डेटा पास डिकेड्स में जब हम लोग यूज़ नहीं करते थे, ज़्यादातर लोग जो थे वो मॉर्फोलॉजिकल डेटा यूज़ करते थे। लाइक के अगर हमें बॉडी शेप या कुछ भी इस तरह की चीज़ों का, अगर ट्रेट्स इस तरह के ट्रेट्स का कोई भी हमें रिलेशनशिप जानना होता था तो हम मॉर्फोलॉजिकल डेटा यूज़ करते थे। अब वो मॉर्फोलॉजिकल डेटा किस फॉर्म में होता था, सपोज मैं किसी भी एक ट्रेट जैसे बॉडी शेप लिखा हुआ है इसकी बात करूँ, तो मैं स्पीशीज़ लूँगी जिन स्पीशीज़ का मैं ट्री बिल्ड करना चाह रही हूँ, जिन स्पीशीज़ का मैं ट्री बिल्ड करना चाह रही हूँ। अब मैं देखूँगी वो वाली ट्रेट जो है उनमें प्रेजेंट है कि एबसेंट है, और ये प्रेजेंट और एबसेंट का डेटा किस तरह से होता है। लाइक अब मैं कुछ भी अपने से यूज़ करूँगी, मैं वन रख लूँगी, वन किसको शो करेगा, प्रेजेंट को शो करेगा, ज़ीरो किसको शो करेगा, एबसेंट को शो करेगा। तो इस तरह से करके वन और ज़ीरो की फॉर्म में वो डेटा होगा जो कि हम सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे किसके लिए, फाइलोजेनेटिक ट्री बिल्ड करने के लिए। और क्योंकि आजकल जो है मोलेकुलर डेटा जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक है, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, या उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा है, और आप एक ऑथेंटिसिटी जो होती है इस मोलेकुलर डेटा से होती है। बट कुछ स्पीशीज़ जो कि अभी नहीं है, वो एक्सटिंक्ट हैं, उनका अगर हमारे पास जो है वो डीएनए के सैंपल्स कुछ भी इस तरह से नहीं है, तो देन हम उनका मॉर्फोलॉजिकल डेटा जो है लाइक या जिनका जिन सैंपल्स का डीएनए वगैरह एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो उनका हम मॉर्फोलॉजिकल जो डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री बिल्ड करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी फाइलोजेनेटिक ट्री की। तो अगर आप पहले इसको देखें और इसको समझें, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको इसके बारे में बहुत सी चीज़ें जो भी आप लोगों को मुझे बतानी हैं वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी, और कोई भी इशू हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।